जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे ढूंढक में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ईशानगर रेलवे स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं ईशानगर रेलवे स्टेशन और आपको स्टेशन के बारे में जानकारी देते हैं। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईशानगर रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे जोन का रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन खजुराहो ललितपुर सेक्शन में पड़ता है। साथियों, यदि इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जो छतरपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। साथियों, अब हम स्टेशन क्षेत्र में इंटर कर चुके हैं। साथियों, इसके साथ हम आपको बताते चलें कि यहां से पास के निकटवर्ती स्टेशनों की दूरी यहां से कुल कितनी है। साथियों, यहां से खजुराहो रेलवे स्टेशन की दूरी कुल 55 किलोमीटर और दुरियागंज रेलवे स्टेशन की दूरी 44 किलोमीटर, वहीं बसारी 36 किलोमीटर और महाराज छत्रसाल रेलवे स्टेशन छतरपुर की दूरी 24 किलोमीटर है। और आगे की ओर चलने पर कुछ प्रमुख स्टेशनों की दूरी, जैसे खरगापुर यहां से 23 किलोमीटर, सरकनपुर 35 किलोमीटर, टीकमगढ़ 59 किलोमीटर, उदयपुरा 78 किलोमीटर और ललितपुर यहां से 110 किलोमीटर दूर है। और यहां से महोबा रेलवे स्टेशन की बात करें तो महोबा यहां से 118 किलोमीटर और ललितपुर होते हुए झांसी रेलवे स्टेशन की कुल दूरी यहां से 200 किलोमीटर है। साथियों, अब हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। साथियों, यह स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 1 है और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर एक ही प्लेटफार्म है और एक मेन लाइन। दोस्तों आइए चलते हैं और आपको स्टेशन के बारे में जानकारी देते हैं। साथियों, यह रेलवे स्टेशन का मेन गेट है और बाहर की ओर से देखने पर रेलवे स्टेशन कुछ ऐसे दिखता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। साथियों, अब अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, अंदर की ओर आते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, जहां पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ यहां पर चलने वाली गाड़ियों की सूची एवं यात्रा से जुड़े नियम एवं अन्य प्रकार के नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। साथियों, आप आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, अंदर से आने पर स्टेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। साथियों, आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। साथियों, हम स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मौजूद हैं और अंदर की ओर से राइट साइड से देखने पर स्टेशन कुछ इस तरह दिखता है और वहीं लेफ्ट तरफ के व्यू की बात करें तो स्टेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। साथियों, यह स्टेशन का पैनल कक्ष है और यहीं पर स्टेशन प्रबंधक जी का कक्ष है। इसके आगे रेलवे रूम और सामने की ओर स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं तो OFC रूम एवं अन्य कंट्रोल रूम के साथ IPS रूम, बैटरी रूम के अलावा फायर सुरक्षा उपकरण के साथ साथ स्टेशन से जुड़ी कौशन और इंटरक्शन का बोर्ड लगा है। और यहीं सामने की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर स्टेशन पर उपलब्ध समस्त प्रकार की सुविधाओं को अंकित किया गया है, जैसे पेयजल, शौचालय, पार्किंग, वाईफाई एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं। साथियों, आगे की ओर चलते हैं और हम यहां का पैनल कक्ष आपको दिखाते हैं। साथियों, यह स्टेशन का पैनल कक्ष है, जहां पर स्टेशन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण उपकरण लगे हैं। साथियों, यह स्टेशन का पैनल बोर्ड है और इसी के द्वारा यहाँ पर चलने वाली या यहाँ से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के पथ को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसी की सहायता से स्टेशन संचालक महोदय अंदर बैठे बैठे गाड़ियों को नियंत्रित करते रहते हैं। साथियों, यहां पर सभी प्रकार के सूचना, इंटक्शन, डायग्राम और गाड़ियों के सूची के साथ साथ सभी प्रकार के नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। साथियों, अब हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, अब हम स्टेशन से काफ़ी आगे की ओर आ गए हैं और आपको यहाँ से स्टेशन का व्यू दिखाते हैं और स्टेशन से जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारी देते हैं। साथियों, यहाँ से देखने पर पास ही में ईशानगर TSS है, जो अभी निर्माणाधीन अवस्था में है और अगले 2 से 3 माह में इसका कार्य पूरा हो जाएगा और इसका संचालन भी पूरा हो जाएगा। साथियों, अब हम जिस लोकेशन में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि आगे की ओर खरगापुर और पीछे की ओर ईशानगर रेलवे स्टेशन और सामने TSS पावर स्टेशन है। साथियों, अब हम स्टेशन की ओर चलते हैं और आपको कुछ जानकारी देते हैं। साथियों,
यह स्टेशन का आउटर है जो लूप लाइन से जुड़ा है, और यहीं सामने रेल कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था है। साथियों आइए हम स्टेशन की ओर चलते हैं। साथियों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरने वाली कुल गाड़ियों की संख्या के बारे में। साथियों आपको बता दें कि यहाँ वर्तमान में कुल 18 गाड़ी संचालित होती हैं जो इस स्टेशन से होते हुए निकलती हैं। और अब यहीं बात कर लेते हैं कि गाड़ियाँ हैं जिनका स्टॉप यहाँ पर है। साथियों यहाँ पर वर्तमान में कुल 4 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर रुकती हैं, लेकिन हाल ही में 2 गाड़ियाँ और बढ़ गई हैं जो यहाँ पर रुकना स्टार्ट हो गई हैं। साथियों स्टेशन के सामने का नज़ारा है, और थोड़ा आगे की ओर चलने पर यहाँ से प्लेटफार्म क्रमांक 1 प्रारंभ होता है। और साथियों थोड़ा और आगे चलते हैं तो पीछे की ओर देखने पर स्टेशन कुछ ऐसे दिखता है। साथियों यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें आगे के और पीछे के स्टेशनों के बीच पड़ने वाले समस्त ब्रिजों का उल्लेख होता है। साथियों अब हम पुनः स्टेशन पर पहुँच गए हैं। साथियों यह सामने की स्टेशन का एंट्री और एग्जिट गेट है, और स्टेशन का प्लेटफार्म है जो हम पहले ही दिखा चुके हैं, और एक बार फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। और आगे की ओर चलते हैं और कुछ बची हुई जानकारी आपको देते हैं। साथियों थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर स्टेशन का जनरेटर कक्ष है, और आगे शौचालय मौजूद है। साथियों हम धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं और आपको इस स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हैं। साथियों यहाँ पर पहले नंबर पर है गाड़ी संख्या 04117 खजुराहो ललितपुर पैसेंजर, और गाड़ी संख्या 04118 ललितपुर खजुराहो पैसेंजर, और तीसरे नंबर पर गाड़ी संख्या 11841 खजुराहो टू कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस, और चौथे नंबर पर 11842 कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस। साथियों वर्तमान में अभी अभी यहां पर 2 गाड़ियां और जुड़ गई हैं जिनका स्टॉप यहां प्रारंभ हो गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 04119 खजुराहो टू टीकमगढ़ एक्सप्रेस, और रिवर्सल में यह गाड़ी संख्या 04120 टीकमगढ़ टू खजुराहो स्पेशल के रूप में प्रारंभ हो गई है। साथियों इस स्टेशन का कोड है जो अभी तक हमने वीडियो में नहीं बताया है, और अंत में आपको बताते चलें कि इस स्टेशन का कोड ISHN है। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।